नमस्कार स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग ठीक। पिछली दो क्लास में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लाइन चार्ज, और उसी को हमने एक्सटेंड किया था इनफाइनाइट लाइन चार्ज तक, और फिर उस पर क्वेश्चंस किए थे ठीक। अब हम रिंग पर चलते हैं, तो पहले हम देखेंगे कंप्लीट रिंग, कंप्लीट चार्ज रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर अ पार्ट ऑफ द रिंग, सेमी रिंग, हाफ रिंग दैट इज, क्वार्टर रिंग, किसी भी एंगल का आर्क हो, 60 डिग्री का एक आर्क हो, वो चार्ज हो तो उसके सेंटर पे कैसे देखेंगे ठीक है, और फिर कंबाइंड लाइन चार्ज और सर्कुलर चार्ज के कारण कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन कैसे होते हैं, उस प्रकार से हम लोग करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग ठीक। तो सपोज अभी ये कॉपी पे नहीं बनाना है, सिंपली समझने के लिए पहले रिंग को समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आएगा, और इस पर एकदम दिलो दिमाग में एकदम बैठा दीजिए जो चीज अब मैं दिखाने जा रहा हूँ ठीक। उसे एकदम दिलो दिमाग में बैठा दीजिए कि सपोज ये आपका रिंग है, ये आपका रिंग है ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर मैं, तो इसकी एक्सिस क्या होगी, इसकी एक्सिस होगी एस, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ऑफ रिंग एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो ऐसे एक लाइन होगी। अब मान लेते हैं कि इस एक्सिस पर मैं एक्स डिस्टेंस की दूरी पर मैं एक पॉइंट लेता हूं, एक्स एक्सिस की दूरी पर मैं एक पॉइंट लेता हूं राइट, और इस पॉइंट को रिंग के हर एक पॉइंट से ज्वाइन करता हूं राइट, रिंग के हर एक पॉइंट से मैं ज्वाइन करता हूं ठीक। तो इसको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए मैं कुछ यूज करना चाहूंगा। अब देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक्सिस हो गया राइट, अब ये पॉइंट जो है वो एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है, यार पॉइंट मैं कंसीडर कर लेता हूं, बहुत दूर हो गया, तो रिंग के इस पॉइंट को मैं, चलिए वहां तक पहुंच गया है, रिंग के इस पॉइंट को मैं अगर मैं ऐसे ज्वाइन करता हूं ठीक, एक्सिस के इस वाले पॉइंट को, इस एक्सिस के इस वाले पॉइंट को मैं रिंग के अगर किसी पॉइंट से ज्वाइन करता हूं, तो देखिए ट्राइंगल जो बनेगा, एक तो ये एक्सिस वाला डिस्टेंस x, एक तो ये एक्सिस से डिस्टेंस, एक्सिस पर सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया x, और ये वाला डिस्टेंस r, x और r परपेंडिकुलर रहेंगे, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर,
तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स आपको पता है, ये एक्स आर और ये हो गया अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये वाला एंगल थीटा। तो अब आप लिख ही सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, जब तीनों एंगल पता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं इस पॉइंट से इस एक्सिस को ज्वाइन किया तो ये सब मिला। अब अगर मैं इस पॉइंट को भी ज्वाइन करता हूं तब भी तो डेटा वही रह जाएगा ना, एक्स आर और ये राइट एंगल रहेगा तो ये लाइन हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अगर मैं इसको भी ज्वाइन करता हूँ तब भी सिचुएशन वही रहेगी। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ठीक, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो आपके पास एक ऐसा कुछ ट्राइंगल आएगा, एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस, ये पॉइंट पी, ये सेंटर, ये आर और ये एक, और ये वाला साइड लेंथ कितना दिखाया मैंने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये एंगल मैंने माना थीटा। ठीक, राइट। तो क्या कहना चाहता हूं कि एक्सिस के इस वाले पॉइंट को किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो इस पॉइंट का डिस्टेंस सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट से सेम ही रहेगा, किसी पॉइंट से हमेशा सेम ही रहेगा, कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और जो ये एंगल बन रहा होगा आपका, ठीक, ये जो एंगल बन रहा होगा बीच में, ये भी सेम रहेगा, ठीक। और आपका एक्सिस पर डिस्टेंस रेडियस, ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, चाहे सर्कमफेरेंस का कोई भी हम पॉइंट ले लें। इतना मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट ले तो उस पॉइंट का डिस्टेंस सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट से सेम रहेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सिस के किसी पॉइंट को अगर सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट से ज्वाइन करें तो एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो एंगल सेम रहेगा, ठीक। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक्स आर और ये लाइन, इसे मैंने वहां पर शो किया है, ठीक, एक्स आर और वो वाला ये लाइन जिसे मैंने वहां पर शो कर दिया है, ठीक, राइट। तो अब नोट कर लीजिए, हालांकि नोट करने लायक कुछ है नहीं इसमें, तो अब देखिए क्या है कि अगर मान लेते हैं कि एक चार्ज रिंग है, मान लेते हैं कि एक चार्ज रिंग है जिस पर चार्ज पूरा फैला हुआ है, ठीक, और ये रिंग कैसी है ना, ऐसे, ये रिंग ऐसे आधा बोर्ड के बाहर है, मतलब पहले आप तो ये कि रिंग का प्लेन ये बोर्ड के परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ द रिंग इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक, ऐसे आधा रिंग बोर्ड के बाहर है और आधा रिंग बोर्ड के अंदर, ऐसे और ऐसे, तो रिंग पूरा ऐसे है और इसके ठीक बीच से ऐसे बोर्ड जा रहा है, यानी एक्सिस ऑफ द रिंग ठीक बोर्ड पर पड़ेगा और इसी के लिए सारा ये सब तामझाम किया गया है, ठीक। एक्सिस ऑफ द रिंग जो है वो आपका बोर्ड पर पड़े इसके लिए सब तामझाम किया गया है, और ये क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक। तो अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है कि जैसे रिंग ऐसे होगा,
रिंग आपका ऐसे होगा और ये एक्सेस, और इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं। तो हम पूरी रिंग पर, पूरी रिंग पर एक साथ तो देख नहीं सकते, हमें तो सिर्फ पॉइंट चार्ज का पता है के कारण पता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पूरी रिंग को छोटे छोटे एलिमेंट्स में काट देंगे, पूरी रिंग को छोटे छोटे एलिमेंट्स में काट देंगे। तो जैसे एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर ऐसे रिंग है, तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक छोटा सा पॉइंट लिया हमने, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है, और ये टॉप मोस्ट, ये वाला पॉइंट मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पर रखूंगा, तो ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। देखिए नीचे की तरफ गई, और जब इसी को मैं नीचे, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर रखूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगी, राइट, ठीक ना। तो अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट को ऐसे कंसीडर करता हूं, तो टॉप मोस्ट पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे आएगी, यल एंगल थीटा, तो यल एंगल भी थीटा मान लेते हैं, राइट। और अगर सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट को कंसीडर किया जाए, तो ये ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगी, और हमको पता है कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो यल एंगल थीटा, तो यल एंगल थीटा, यल एंगल थीटा, तो यल एंगल भी थीटा। तो अब देखिए क्या है कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का ये वाला कंपोनेंट और इसका इधर वाला कंपोनेंट, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसका इधर वाला कंपोनेंट और इसका इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, राइट, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, टॉप मोस्ट पॉइंट वाले का ऐसे जाएगा और बॉटम मोस्ट पॉइंट का ऐसे आएगा, तो दोनों का ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से अगर हम इधर वाला एक पॉइंट लेंगे तो उसके कारण किधर आएगा, इधर आए, और सबसे इधर वाला पॉइंट लेंगे तो इसके कारण इधर आए, राइट, ठीक। तो अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इन दोनों का ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक के कारण ऐसे आया, एक के कारण ऐसे आया, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट और इसका इधर वाला कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कुल मिला के क्या कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस नहीं एग्जिस्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस नहीं एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हर एक एलिमेंट का डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट होगा। आप कोई भी एलिमेंट लेंगे, ये रिंग है, कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट होगा। एक यहाँ पर है, सोचो तो एक यहाँ पर आ गया, तो ये ऐसे आ गया, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स को कैंसिल आउट कर देंगे, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस नहीं बचेगा, ठीक, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक
फील्ड होगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी? इंटीग्रेशन डीई साइन थीटा, इंटीग्रेशन डीई साइन थीटा, राइट। अब कईयों के मन में सवाल आ गया, सॉरी डी साइन थीटा नहीं, ये तो सारों के मन में आया होगा कि सर यहाँ पे कॉस थीटा होगा, इसका कॉस थीटा, इसका कॉस थीटा, ठीक। इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा, टू डी कॉस थीटा होना चाहिए, कईयों के मन में आ गया। मैं क्या कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन मतलब क्या, सबका जोड़ना है। इंटीग्रेशन मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स का कॉस थीटा जोड़ना है। तो जब सारे एलिमेंट्स का कॉस थीटा आप जोड़ रहे होंगे तो ऊपर वाला लेंगे तो नीचे वाला भी तो आएगा ना, ठीक। इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, तो देखिए नीचे वाला भी आया ना, राइट। तो ऊपर वाला और दोनों नीचे वाला दोनों को आप अलग से जोड़ ही रहे हैं, इस सिंबल का मतलब यह हो गया। तो दोनों को आप जोड़ ही रहे हैं तो टू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक, टू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, राइट, ठीक। अब देखिए क्या है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग, ठीक। और सपोज इस चार्ज रिंग पर चार्ज तो मैंने फैला दिया था, इतना चार्ज फैलाया था ये नहीं बताया था ना। सपोज हमने इस पर पूरा टोटल क्यू चार्ज फैलाया, राइट, ठीक। तो डीई की वैल्यू, डीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के डी क्यू, जो हमने एलिमेंट चूज किया है टॉप मोस्ट पॉइंट वाला, सपोज उसका उसमें चार्ज जो है स्मॉल डी क्यू है, के डी क्यू अपॉन इस वाले डिस्टेंस को मैं स्मॉल आर बोल देता हूं, इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है, अंडर रूट एक्सिस का प्रकार स्क्वायर, ठीक। कितना मेहनत से उसको समझाए थे, ये एक्स ये आर, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया अंडर रूट एक्सिस का प्लस आर स्क्वायर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक, राइट। तो इनेट अभी जगह बहुत है तो आराम से लिख लेते हैं, तो इनेट इज इक्वल टू यहां पे, यहां पे इनेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीई, डी की वैल्यू हो गई के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा, राइट। और पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट करना है, सिंबल का अंदर पूरे रिंग के लिए, ठीक। तो अब देखिए क्या है, एक बार इसको और लिख लेते हैं कि डी क्यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, एक्स अपॉन आर, राइट। तो इसमें से के एक्स अपॉन आर क्यूब, कॉन्स्टेंट टर्म्स है सारे, याद रखिए एक्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसी डिस्टेंस पर तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, वेरिएबल नहीं है और ना ही आर कॉन्स्टेंट है, ठीक। तो x और r दोनों कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट के लिए सेम आएगा ना। इंटीग्रेशन डी क्यू, ठीक। तो अब ये कितना आ गया कि, और इंटीग्रेशन डी क्यू पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल चार्ज, ठीक। हर एक एलिमेंट का अगर हम चार्ज जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, टोटल चार्ज, ठीक। हर एक एलिमेंट का अगर हम चार्ज जोड़ देंगे सारे एलिमेंट्स का तो टोटल चार्ज आ जाएगा, और टोटल चार्ज कितना है, राइट।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, हम लिख सकते हैं कि क्यू एच अपॉन आर की वैल्यू पुट कर देते हैं वहां से, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी थी, इसका स्क्वायर रूट और इसका क्यूब ले लेना है, आर क्यूब लिखना है, आर की वैल्यू स्क्वायर रूट में है और इसका आर का क्यूब लेना है, ये पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, राइट। ठीक, नोट कर लीजिए इसको और इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रखना है, इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा। हम इसको मिटाते हैं, अभी इस पर बहुत सारा रिसर्च करना बाकी है। एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं, अगर ये एक रिंग है इसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पर क्यों चार्ज फैला हुआ है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा रेडियस, और इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल आर बोल देता हूं और इसको एंगल थीटा बोल देता हूं, ठीक है, और इस आर की वैल्यू कितनी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट का एलिमेंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगी, इधर एक्सिस की लाइन तो थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, टॉप मोस्ट पॉइंट कंसीडर किया है तो इसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इधर, ठीक, और ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है, मैंने बताया था कि सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट से एक्सिस को अगर जॉइन करेंगे तो ये लेंथ और ये एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। अब एक्सिस के परपेंडिकुलर देखते हैं, एक्सिस के परपेंडिकुलर में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक, राइट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बचेगी, इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा, राइट, इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा, ठीक, और दोनों को क्यों नहीं लिया जा रहा है, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, टू डी कॉस थीटा क्यों नहीं हो जा रहा है, क्योंकि हम तो इस इंटीग्रेशन का मतलब है, इस इंटीग्रेशन का मतलब है कि हर एक एलिमेंट के डी कॉस थीटा को ऐड करना है, तो हर एक एलिमेंट के डी कॉस थीटा को ऐड करना है, वो तो अपने आप ही ऐड हो जाएगा ना,
ठीक, हर एक एलिमेंट का ऐड करना है भाई, ये किसी एलिमेंट का, ये किसी एलिमेंट का, इन दोनों को अलग से जोड़ने की जरूरत है। इंटीग्रेशन का सिंबल ही बता रहा है कि वो अपने आप ऐड हो जाएगा। ठीक, तो आप देखिए क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कितना लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन E dQ अपॉन R का स्क्वायर, E dQ अपॉन R का स्क्वायर इनटू cos थीटा, लिमिट क्या होगी पूरे रिंग के लिए, तो पूरे रिंग के लिए हम ऐसा एक गोला बना के बताते हैं। ठीक है, गोले का मतलब पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट करना है। अब देखिए क्या है कि आपका थीटा आर और एक्स, थीटा आर और एक्स तीनों के तीनों कांस्टेंट हैं, थीटा आर एंड एक्स आर कांस्टेंट्स, आर कांस्टेंट्स। ठीक, तो ये सब बाहर आ जाएंगे, राइट। इसके बाद आप यहां पर आ जाइए, ये सब बाहर आ जाएंगे, तो की cos थीटा अपॉन r स्क्वायर बाहर आ गया, बचा क्या, इंटीग्रेशन dq, ठीक, पूरे रिंग के लिए। तो अब की cos थीटा की वैल्यू कितनी, x by r cos थीटा की वैल्यू कितनी, यहां से देख लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस x by r, तो kx अपॉन r क्यूब, ठीक, और आपका dq का इंटीग्रेशन पूरे रिंग के लिए, पूरे रिंग के लिए dq का इंटीग्रेशन मतलब पूरे रिंग का चार्ज, और पूरे रिंग पर चार्ज कितना है, कैपिटल Q के बराबर। एक अब r की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, r की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, राइट। ठीक है, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। अब तो नहीं बोलोगे ना, राइट, नोट कर लीजिए, दोबारा नोट करेंगे आपकी इच्छा। अब इस पर थोड़ा और रिसर्च कर लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्सिस ऑफ रिंग आया था कि क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, रेज टू द पावर 3/2। ठीक, तो आप देखिए क्या है, एक क्वेश्चन के रूप में कर लेते हैं, हालांकि ये जस्ट इसकी एनालिसिस है। तो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखिए फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, कॉमा एट अ पॉइंट वेरी फार अवे फ्रॉम द रिंग, एट अ पॉइंट वेरी फार अवे फ्रॉम द रिंग, and most important part of the question, find out the position
फाइंड आउट द पोजीशन ऑन द एक्सेस ऑफ द रिंग वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम. फाइंड आउट द पोजीशन ऑन द एक्सेस ऑफ द रिंग वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम. Where electric field is maximum, and find out this maximum electric field. ठीक. तो अब देखिए बच्चों क्या है कि x equal to zero और x equal to plus minus infinity पर find करना बहुत आसान है. आप देख लीजिए ये फॉर्मूला मैंने बस लिख दिया है ताकि सबको पता रहे. तो ई एट एक्स इक्वल टू जीरो या जिसे हम सेंटर भी बोलेंगे, तो सेंटर के लिए क्या करना है, एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए. एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते ही क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, जीरो. ठीक. इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर एक्स इक्वल टू जीरो पुट करना है तो कितना आ गया, जीरो. वो तो होना ही था क्योंकि जैसे आप अगर पॉजिटिव चार्ज फैलाएंगे किसी रिंग पर तो चारों तरफ से सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, जीरो. ये तो आना ही था, फॉर्मूला भी चेक हो गया, राइट. एंड एट अ वेरी फार अवे पॉइंट फ्रॉम एट अ पॉइंट वेरी फार अवे फ्रॉम द रिंग कितना हो जाएगा, जीरो. इसके लिए किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है. किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस से अगर हम बहुत 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 दूर चले जाएं, किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस से अगर हम बहुत दूर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो ही जाएगा. ये कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रॉपर्टी जीरो हो जाएगी, राइट. ठीक. तो ये तो आसान था. अब तीसरा पार्ट तो आप एग्जैक्टली एक क्वेश्चन के रूप में करेंगे. ठीक. तो पूछा गया है कि फाइंड आउट द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग इज मैक्सिमम, राइट. तो अब देखिए क्या है कि x ऊपर भी है और x नीचे भी है. x अगर केवल ऊपर रहता तो हम बोलते कि x जैसे जैसे बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही, या केवल नीचे होता तो हम ये बोल सकते थे कि x जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, जैसा कुछ. परंतु इस एक्सप्रेशन को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मोनोटोनस फंक्शन है, मतलब कि x बढ़ने के साथ ई बढ़ेगा ही और x घटने के साथ ई घटेगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, राइट. यानी कि ये कभी बढ़ता होगा कभी घटता होगा, ठीक. यानी मैक्सिमम मिनिमम कुछ इसमें आता होगा, राइट. तो पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर मैक्सिमम होगी. तो जब कभी कोई भी फंक्शन जहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम होता है वहां पर उसका डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो. तो डी बाई डी एक्स हमें जीरो करना है, ठीक. ए क्यू आर ये तो कांस्टेंट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर मैक्सिमम मिनिमम होगा वहां पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करने पर जीरो आएगा, ठीक. तो डिफरेंशिएट कर क्यों कांस्टेंट है बाहर आ गया, न्यूमरेटर इसका इसको हम लोग कोशेंट रूल से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक. तो कोशेंट रूल के लिए न्यूमरेटर एक्स है और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन वन, डिनोमिनेटर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पहले से ही लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एन एक्स
द पावर एन माइनस वन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन फिर चेन रूल लगाए ना तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स ठीक तो ये आपका कुल मिला के हो गया थ्री एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर थ्री बाई टू माइनस वन वन बाई टू ठीक ये आ गया तो आप इसको आराम से डिफरेंशिएट करते हैं तो डी ई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो तो डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा ए क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेते हैं न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन वन इंटू डिनोमिनेटर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर थ्री बाई टू माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन वहां से नोट कर लीजिए थ्री एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर वन बाई टू ठीक अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू है ना पावर में स्क्वायर कर देंगे तो केवल थ्री बचेगा इक्वल टू जीरो तो ये कट गया ये कॉन्स्टेंट कट गया और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर वन बाई टू है और ये थ्री बाई टू तो इससे अगर डिवाइड कर देंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर वन बाई टू से तो यहाँ पर पावर में क्या हो जाएगा वन बाई टू थ्री बाई टू माइनस वन वन बाई टू कितना बचेगा सॉरी वन बचेगा ठीक तो ये कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई टू तो ये कितना हो गया एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू प्लस माइनस इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि जैसे कोई रिंग होगी तो इसके आगे भी प्लस माइनस आगे भी आर बाई रूट टू पर मैक्सिमाइज होगा और इसके पीछे भी आर वाई रूट टू पर मैक्सिमाइज होगा एक तरफ को प्लस बोल आर वाई रूट टू बोलेंगे तो एक तरफ वाला अपने आप हो जाएगा माइनस आर वाई रूट टू ठीक इसको नोट कर लीजिए ठीक है तो आज की क्लास का समरी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी जो कि ऑब्वियस है इन्फिनिटी पर दोनों तरफ इन्फिनिटी पर जीरो होगी ठीक तो सेंटर पर जीरो और इन्फिनिटी पर जीरो सेंटर पर जीरो और इन्फिनिटी पर जीरो ठीक यानी बीच में कहीं पर मैक्सिमम होती होगी और वो कहां पर हो रही वो हमने निकाला आर बाई रूट टू पर इसे भी याद रखेंगे राइट ठीक यहां तक हमने पढ़ लिया अब क्वेश्चन में एक और बात पूछी गई थी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है नोट कर लिया होगा अब तक आप लोगों ने तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्स की जगह आप आर बाई टू पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा के क्यू एक्स की जगह आर बाई रूट टू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू रेज टू द पावर थ्री बाई टू एक तो आर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लेके तो कितना हो जाएगा आर क्यूब और ऊपर एक आर रखा हुआ है तो आर क्यूब में से एक आर चला जाएगा तो के क्यू बाई आर स्क्वायर और ये वाला रूट टू के क्यू बाई रूट टू आर स्क्वायर ये तो पहले ही आ गया वन प्लस वन बाई टू
कितना हो जाएगा 3/2, तो 1 + 1/2 यानी 3/2 रेज टू द पावर 3/2 रेज टू द पावर 3/2, इसको अपने आप से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग पर ग्राफ बनाएंगे, इसको और इलेबोरेटरी समझाएंगे, और हाफ रिंग, क्वार्टर रिंग, एक जनरल आर्क ऑफ अ चार्ज रिंग के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। थैंक यू।